हेलो फ्रेंड्स, आज के हमारे डिस्कशन का टॉपिक पानी के विचित्र स्वभाव के बारे में है। हम सभी ने यह एक्सपीरियंस किया है, अगर किसी चीज़ को गर्म करो तो वो फूल जाती है, जैसे उबले हुए चावल, और किसी चीज़ को ठंडा करो तो वो सिकुड़ जाती है। पर पानी से भरी बॉटल को हम जब डीप फ्रीज़र में रखते हैं तो वो सिकुड़ने के बजाय फूल क्यों जाती है? तो सुनो, हमारा पानी यानी कि ढेर सारे H2O के मॉलिक्यूल्स, इन्हें जब हम डीप फ्रीज़र में रखते हैं तो इन मॉलिक्यूल्स को ठंड लगने लगती है, और इसी ठंड के वजह से ये सारे H2O के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नज़दीक आने लगते हैं, और ये प्रोसेस 4 डिग्री सेल्सियस तक चलती रहती है। और जैसे ही टेम्परेचर 4 डिग्री के नीचे जाने लगता है ना, तो इसी नज़दीकी के कारण एक H2O के मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे H2O के मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अट्रैक्शन फील होने लगता है, और फर्स्ट वाले H2O मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे वाले H2O मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के लिए प्यार भरी दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। तब ऑक्सीजन भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है और चालू हो जाता है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर अफेयर। इसी को अच्छा सा नाम दिया गया है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा ही एक्सपीरियंस बॉटल में प्रेजेंट हर H2O मॉलिक्यूल के साथ होता है। अब आप ही सोचो, फोल्डेड हैंड में ज़्यादा जगह लगेगी या अनफोल्डेड हैंड में ज़्यादा जगह लगेगी? तो ऑब्वियस है, अनफोल्डेड हैंड में ज़्यादा जगह लगेगी। सेम होता है H2O मॉलिक्यूल के साथ। हाइड्रोजन अपना हाथ अनफोल्ड करके ऑक्सीजन से प्यार भरी दोस्ती के लिए बढ़ाता है, और जैसे ही इस रिश्ते को एक्सेप्ट करने के लिए ऑक्सीजन अपना हाथ आगे बढ़ाता है, इसी वजह से बॉटल की जगह उन्हें कम पड़ने लगती है, और ये मॉलिक्यूल बॉटल पर प्रेशर डालते हैं, और हमारी बॉटल इसे रेजिस्ट यानी कि विरोध ना करने के कारण फूलने लगती है। तो समझा हमारी बॉटल क्यों फूल जाती है? अगर आपको मेरे इस वीडियो से नॉलेज मिला हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर करो, और ऐसे ही फनफुल नॉलेज से अवगत होते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।